हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स स्नेहा देवतपाल ब्लॉग चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो फ्रेंड्स, आजकल क्या चल रहा है? साफ सफाई। जी हाँ, आजकल दिवाली की साफ सफाई में सभी लोग जुटे हुए हैं अच्छे से अपने घर को चमकाने के लिए। तो इस चमक को 4 गुना और 10 गुना बढ़ाने के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक DIY सॉल्यूशन, जो आपके घर को बहुत ही अच्छे से चमका देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सॉल्यूशन रेडी करने के लिए एक मग ले लिया है, जो कि जिसमें मेज़रमेंट दिया हुआ है। तो इसमें हम आधे से कम पानी लेंगे। तो इसमें लगभग मैं 2 ग्लास के लगभग मैं इसमें पानी ले लूँगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, ये देखिए, ये थोड़ा आधा हो गया है, ये देख सकते हैं आप, आधे से कम है थोड़ा। और इसके बाद मैं लूँगी यह सिरका, जो कि आराम से ग्रॉसरी शॉप से आपको मिल सकता है और बहुत ही कम लागत में। 20 रुपये की बॉटल आती है ये आपकी। तो इसमें आपको आधा ग्लास लेना है, ये छोटी ग्लासी ली है मैंने। और उसके बाद मैं ले रही हूँ बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा आपको लेना है। और जैसे ही मैं इसी में डालूँगी, देखिए कितने सारे बबल्स ही बबल्स आ जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करेंगे हम इसे नीचे बैठने का, और इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। और उसके बाद जो हम, ये देखिए, अब ये थोड़ा बैठ गया है। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ, आपके पास कोई भी विम जेल हो, कोई भी हो जेल, डिश वॉश जेल कोई सा भी हो, आप डाल सकते हैं उसके अंदर। इतना ही डालना है कि ज़्यादा सोपी सा ना रहे, ठीक रहे, मतलब उसको दोबारा से कपड़े से साफ़ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन बनके रेडी हो चुका है। और आप किसी भी खाली कंटेनर में इसे डाल सकते हैं। और इसको डालने के बाद आप ये स्प्रे बॉटल होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से इसको यूज़ कर सकें, जैसे कॉलिन वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कर लिया है फिल। और इससे आप अच्छे से अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं, और मिरर वगैरह, गैस स्टोव क्लीन करने में ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। तो टेक केयर।